दोस्त, मुझे हमेशा ये डर रहता है कि हमारी दोस्ती कहीं टूट ना जाए। अब्दुल, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में ही बैठना चाहता हूँ। तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही बिना एकदम अच्छा नहीं लगता। दोनों स्कूल पहुँचते। स्कूल के पांचवी कक्षा का दृश्य। स्कूल में अब्दुल और रामा हमेशा की तरह सामने वाले सीट पर बैठा करते थे। इस बीच कक्षा में नए शिक्षक का प्रवेश होता है। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? साइंस। चलो साइंस की बुक निकालो। इतने में शिक्षक की नजर सामने बैठे अब्दुल और रामा पर पड़ती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुजारी के बेटे के साथ बैठने की? जाओ, जाकर पीछे वाली सीट पर बैठो। अब्दुल कांप जाता है और बड़े उदास होकर पीछे जाकर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि अब हम दोनों कभी साथ साथ बैठ नहीं पाएंगे। वह रोने लगता है। स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। के घर लौटने के क्रम में अब्दुल और रामा की बातचीत। स्कूल से जब घर लौट रहे हैं अब्दुल और रामा, तो उसकी बातचीत चल रही। अब्दुल, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ना मास्टर जी तुम्हें डांटा तो? क्या रामा, हम लोग कभी भी साथ बैठ नहीं पाएंगे क्या? दोनों घर पहुंचते हैं। अब्दुल के घर का दृश्य। चल रहा अब्दुल के घर में देखे। अब्दुल घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अब्बू, आज मास्टर जी ने मुझे बहुत जोर से डांटा। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? तुमने पाठ तो ध्यान से याद किया था ना? हाँ अबू, पाठ के लिए नहीं, वो मुझे रामा के साथ बैठने के लिए डांट रहे थे। उन्होंने मुझे सबसे पीछे बिठा दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग मुसलमान हैं ना, इसलिए कहा होगा। दूसरी तरफ रामा के घर का दृश्य। रामा स्कूल से घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, आज अब तुम इतना उदास क्यों हो? पिताजी, आज मेरे दोस्त अब्दुल को मास्टर जी ने पीछे बैठा दिया क्योंकि वो मुस्लिम था। क्या, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उदास मत हो, मैं उनसे बात करूंगा। अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं उन्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। अगले दिन बुलावे के बाद शिक्षक पुजारी के घर पहुंचते। शिक्षक का प्रवेश होता है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, आइए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या पानी? कुछ नहीं। बेटा रामा, जाओ अब्दुल को बुला के लेके आओ। रामा अब्दुल को लेकर आता है।
आपने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? आपने अब्दुल को पीछे क्यों बैठाया? वो मुस्लिम है, इसमें उसका क्या दोष? पुजारी जी, अब्दुल मेरे नजरों के सामने बैठा था, इसीलिए मुझे अच्छा जज नहीं रहा था, इसीलिए मैं उसे सबसे पीछे जाकर बैठने को कहा। छी, घिन आती है आपकी इन बातों पे मुझे। शिक्षक होकर आपने ऐसा कैसे किया? शिक्षक का कार्य होता है कि वो विद्यार्थियों के बीच भाईचारा बढ़ाए, लेकिन आपने अगर अब्दुल से माफी नहीं मांगी तो मैं आपको स्कूल से निकलवा दूंगा। शिक्षक शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। बेटा अब्दुल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का भूल हो गया, अब से तुम दोनों साथ ही बैठकर पढ़ना। अब्दुल और रामा दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जो सत्य जीवन घटना है अब्दुल कलाम की, आज जब हम देखते हैं हमारा समाज जाति धर्म मजहबों में बटा है, तो अब्दुल कलाम साहब इन सब चीजों से, जाति धर्म पंथ मजहब सारे चीजों से, इन सारे चीजों से बहुत ऊपर थे। वो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते थे और उन्हें हम इंसानियत का मसीहा कहे तो कोई अतिशयोक्ति और रट्टी मात्र भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम अब्दुल कलाम के जीवन से में देखते हैं कि उनके वो मिसाइल मैन तो थे ही, उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से विज्ञान और अध्यात्म का समावेश किया कि हम सबों को सीख मिलती। तो आज हम सभी सीख लें कि हम अपने समाज में जाति धर्म मजहबों से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माने। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल बहन आ जाइए, अभी एक देशभक्ति गीत पर बच्चियां नृत्य करेंगे।